हरियाणा सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की आर्थिक अनुदान के रूप में बिजली विभाग को देने के बावजूद इसकी वितरण प्रणाली अभी भी हिचकोले खा रही है। आम आदमी को बिजली मिलना तो दूर, उसको बिजली विभाग की कार्यशैली के करंट से अपना जीवन भी स्वयं जागरूक होकर बचाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के वितरण के लिए रखे गए ट्रांसफार्मर सड़कों और घरों के सामने दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। बाबरपुर में गली के बीचों बीच रखे ट्रांसफार्मर से पिछले दो दिनों में दो गोवंशों और एक बंदर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बार बार विभाग को शिकायत दी है, लेकिन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। शायद विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। परेशानी भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी तो ये ट्रांसफार्मर सबसे खतरे की, 11,000 केवी ऊपर, 440 केवी नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। बरसात के दिन में पानी में सड़क करंट, पूरी दीवार पर सड़क पर करंट आ जाता है, बीच में है, सारी हमारी व्यवस्था खराब है। इधर भी खंबा, इधर भी खंबा, ट्रांसफार्मर बीच में, गली ब्लॉक, बचपन से देखते आ रहे हैं हम तो, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लोग कहते कहते हैं, प्रशासन कहता कहता है जी आप कंप्लेन करो, अब ये मुख्यमंत्री वहां करो जी, वहां करो, सब जहां करके देख ली, लेकिन इसकी कोई निजात नहीं मिल रहा। भाई साहब, इसको जल्दी से जल्दी यहां से हटाया जाए। परसों हादसा हुआ, अब नया हादसा कोई ना तैयार, रोज खड़ा होता है यहाँ पे। परसों दो गाय मरी, सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, नीचे पड़ा है, बंदर यहाँ मरा 3-4 दिन पहले, अभी जानवर मर रहे हैं, अब ये प्रशासन जा रहा है, कोई आदमी मरे यहाँ पे, जल्दी से जल्दी इसका हमारे को निजात दिलाया जाए जी। जी भैया, हमें बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर की बिल्कुल पास में ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे आते जाते हैं, स्पार्किंग होती है यहाँ पर, पिछले दो दिनों में दो गायें एक्सपायर हुई हैं, और जो कि बिल्कुल हमारे घर के बैक साइड में है, हो सकता है कि अगर यहाँ करंट आया तो हमारे टोटली इस दीवार में भी करंट हो सकता है, हमारे घर को खतरा है। बाबरपुर मंडी के वासी को एक समस्या से बहुत परेशान है, ये ट्रांसफार्मर है इधर, यहाँ पर दो दिन में लगातार दो गायें मर चुकी है, कई बार बच्चों के हादसे होने का डर है। प्रशासन सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई बच्चा आए और उसका यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो। प्रशासन में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, एप्लीकेशन भी दी है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, एक्शन और जो फोन नहीं उठाते, हमें इस समस्या से निजात चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है, ये हमें प्रॉब्लम है, सारा दिन बच्चे अंदर खेलते हैं, हमारी टूटियों में भी करंट आ जाता है, इस वजह से कई बार करंट लगा है बच्चों को, और इधर सारा दिन पानी आता है, पानी से और भी करंट पड़ता है, बंदर मर गया, गाय दो मरी है, सारा दिन आना जाना, बच्चों का रास्ता दरवाजा है, कैसे बंद करें, बंद तो नहीं हो सकता। यही है बस, हमें कितनी देर से हम लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर को उतारने के लिए, किसी ने सुना ही नहीं।